हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ स्ट्रैटेजी बताएंगे जो इंस्टाग्राम में 2020 में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए आए, और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ऐसा कॉन्टेंट बनाइए जो नॉलेजेबल हो और शेयरेबल हो। अब वो कैसे होगा, आप अपनी नीच देखिए। आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड बनाइए, ताकि लोग उसको पढ़ें, उसके बाद उसको शेयर करें, जिससे उनको फायदा हो, वैल्यू उनको पहुंचे। नॉलेजेबल एंड शेयरेबल कंटेंट, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं आपको ऐसी वीडियोज़ देता हूँ, ऐसे पोस्ट देता हूँ जिसमें आपको कुछ फ़ायदा होता है, जिससे आप समझते हो कि हाँ मेरी ज़ात में कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी चीज़, हमें समझना है कि इंस्टाग्राम फोटो गैलरी था पहले, लेकिन अब इसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। अब ये वीडियो कंटेंट भी इसमें हम डालते हैं और फोटो भी डालते हैं। तो हमें इन दोनों का यूज़ करना है, फ़ोटो का भी, चाहे वो लिख करके, और चाहे वो सेंड करना है वीडियो के फॉर्म में। वी हैव टू लोड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अब कैप्शन का ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, कि हम लोग बहुत ज़्यादा कैप्शन का यूज़ करते हैं, तो वी हैव टू अवॉइड यूज़ मोर कैप्शन। उसके बाद इमेज शेयर कीजिए इन पिक्चर। इमेज शेयर करने का मतलब, जैसे आप स्टोरी क्रिएट करते हैं तो उसमें आप इमेज लगाइए, उसमें इमेज में कुछ लिखिए, उसमें सब्सक्राइब लिखिए, या जो भी आप कराना चाहते हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड चीज़ें आप वहाँ पर इमेज के फॉर्म में शेयर कीजिए। क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो वीडियोस ज़्यादा देखें, बस वो देख लेते हैं फौरन, हाँ ऐसा है, इमेज है, लाइक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, वो ये कि आप स्टोरीज शेयर कीजिए। दिन में 30, 40, 10, 20 स्टोरीज लगाइए, क्योंकि ये इंगेजिंग फॉर्म होता है। जब मैं स्टोरीज लगाता हूँ, मैं देखता हूँ दूसरों की स्टोरीज को, अपनी खुद की स्टोरीज को, तो उस पर क्वेश्चन आंसर भी बहुत होते हैं। जैसे आप क्वेश्चन आंसर कर दिए, लोग आए, आपसे इंगेज हुए, आपके पास कमेंट किए। तो इसलिए स्टोरीज का बहुत ज़्यादा यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी लगाइए, 10, 15, 20। तो इससे आपकी इंगेजिंग बढ़ेगी, लोग आपके प्रोफाइल पर आएंगे, लेकिन उससे पहले वो स्टोरीज चेक करते हैं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस, मैंने देखा है जब से मैं हैंडल कर रहा हूँ अकाउंट इंस्टाग्राम का, तो मैं देख रहा हूँ स्टोरीज बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। उसके बाद IGTV में वीडियोस बनाइए। IGTV जो एक फॉर्म है YouTube की तरह है, उस पर आप वीडियोस बनाइए, उस पर आपको बहुत ज़्यादा लाइक आएंगे, बहुत ज़्यादा वॉच भी होगा, और इससे आपकी इंगेजमेंट भी बढ़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप लाइव जाइए। लाइव जाने का मतलब ये कि जब आप लाइव जाते हैं तो जो भी आपके फॉलोअर्स हैं उनको एक नोटिफिकेशन जाता है कि आपका, आप जिसको फॉलो कर रहे हैं वो आप लाइव हैं। तो जब आप लाइव जाते हैं तो सामने वाले से बात करते हैं, उसको समझाते हैं, इंगेजमेंट होता है, तो वो जेन्युइन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंगेजमेंट में आती हैं, तो वो आपके साथ हमेशा रहेगा और आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा, वो आपकी चीज़ों को फॉलो करेगा, हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। आप जो पोस्ट कर रहे हैं दिन में 1, 2, 3, 4 कीजिए ही कीजिए। आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों को एजुकेट कीजिए, लोगों को बताइए। ऐसा नहीं कि आज किया, कल किया, गैप कर दिया, ऐसा मत कीजिए। तो ये स्ट्रैटेजीज जो मैंने आपको बताई है, ये 2020 में अगर फॉलो करेंगे आप, इंस्टाग्राम पे ग्रो करेंगे और आपके बहुत अच्छे लाइक्स और फॉलोअर्स आपके आएंगे। तो बस इतना इस वीडियो में। आप मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी तरह प्लेलिस्ट मिलेगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।